हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने जा रही हूँ माय न्यू हेयर कट ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है इवनिंग से। तो ये ब्लॉग जो है मैंने लखनऊ में ही बनाया था, और आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद घूमने आई हूँ घर से बाहर, तो खूब सारा एंजॉय करूँ, खूब घूमूँ, मस्ती करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए, पहले तो आप सबको मैं अपने साथ थोड़ा सा यहाँ पर लखनऊ घुमाने वाली हूँ। तो आज इवनिंग में अभी शाम के लगभग 7:30 बज गया होगा, तो अभी अंधेरा ही हो गया है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो अभी घर से हम सब लोग मतलब मेरी पूरी फैमिली, बच्चे दोनों और ये मैं और मामा जी के दोनों बच्चे हैं साथ में, तो भैया ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं मुझे एरिया का नाम तो नहीं ध्यान रहा कौन सी जगह पर गए थे। तो ये हमारे घर से लगभग 20 से 25 मिनट की दूरी पर ही होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो थोड़ी सी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी पहले शेयर कर देते हैं, और आप सबको भी अच्छा लगेगा। कुछ चेंज थोड़ा सा होता है ना, और फिर जो चीज़ अच्छी दिख रही हो तो थोड़ा सा देखने में मतलब अच्छा लगे, तो फिर मन को भी अच्छा लगता है। तो आप सब बहुत वेट कर रहे थे कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो अभी आगे आपको मेरा हेयर कट देखने वाला है कि मैंने कैसा वहां पर हेयर कट कराया था। एक्चुअली अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं घर भी वापस आ गई हूं और वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जो मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट भी हो गई हैं, तो वो जो है यहाँ पर नहीं होंगी। और अभी यहाँ पर जो है मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट वगैरह आ रही थी बीच बीच में, और यहाँ का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है और आप सब भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा व्यू इन्जॉय कराते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वैसे तो मुझे इन सब के साथ नहीं आना था, एक्चुअली आज है मंडे का दिन तो मेरा फास्ट है, और फिर भी मैं इन सब के साथ आ गई हूँ, क्योंकि जो बेबू है वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि भाभी चलो आप भी चलो अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा चलो चल लेते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर आइसक्रीम शॉप पर। तो यहाँ पर जो स्पेशल, बहुत ही स्पेशल शॉप है यहाँ की, तो इस तरीके की आइसक्रीम दिल्ली में भी बहुत मिलती थी, हम लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते थे ये सब। तो अभी यहाँ पर जो है भैया हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं कि आप हमारे यहाँ के भी इंजॉय करके देखो। तो अभी यहाँ पर बच्चे सब लोग, डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स हैं, तो ये सब लोग अपना अलग अलग टाइप के सबने अपने फ्लेवर ले लिए हैं। और ये कार्तिक का फ्रेंड है जो यहाँ लखनऊ आने के बाद बन गया है, तो ये भी साथ में आया है हमारे। और ये यहाँ पर जैसे मेरा फास्ट है तो बोला था कि मैं नहीं खा सकती हूँ, ये नमक कहीं ना कहीं होता है, तो शॉप वाले ने बोला कि इसमें नमक नहीं है, और उन्होंने मुझे मिक्स फ्रूट एक आइसक्रीम बना के दी है, मतलब क्रीम के साथ, मतलब क्या मिक्स किया है, मतलब इसमें साल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे नमक नहीं खाना था। वैसे तो मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, तो मैंने जैसे रबड़ी वाली वैसी भी कुछ नहीं खाई थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर एक टेस्टी सी बनाकर दी है कि आपका फास्ट है तो आप इसे ले लो। तो मैंने यहाँ पर ये वाली ले ली है और अच्छी है आइसक्रीम। तो अभी हम लोग साथ में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, बच्चे मतलब बहुत खुश हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। और गाड़ी में कार में थोड़ा ले जाओ ना उनको, लाइट वाइट रोड का ये सब कुछ मतलब घूमने के लिए होना चाहिए, उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि घूमने के लिए मिले। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और आप सब जो भी मेरे वीडियो को लाइक करते हैं आप सभी लोगों को थैंक यू।
और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी हम लोग खा पी के यहाँ से निकल लिए हैं घर के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट है और अभी रात का टाइम है तो लगभग 8 बज रहा होगा इस टाइम पर, तो बहुत मतलब ट्रैफिक हो रहा था बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो है कौन सा भी न्यू बना है यहाँ पर वो है, ये इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे जब मैं ऑडियो कर रही हूँ तब, और आज डे का ही दिन है जब मैं आपके साथ ये वीडियो रेडी करके शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डे आ गए हैं फिर से मॉल में घूमने के लिए, और मुझे बहुत सारे लोगों ने इस मॉल के लिए कमेंट किए कि मैं यहाँ पर आई थी, आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो सबसे फर्स्ट ऊपर आने के बाद हमने ये जावेद हबीब का सैलून है इसमें मैंने बुकिंग करा दी है मेरे हेयर कट के लिए, तो अभी एक्स्ट्रा बुकिंग वहाँ पर लगी हुई है तो उन्होंने बोला 40 मिनट के बाद आप आना। तो अभी हम लोग यहाँ से घूमने के लिए निकल लिए हैं, और यहाँ की जो डेकोरेशन है जो नीचे की तरफ है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी एक सामने टाउन होम टाउन है तो अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो मामी को मुझे दिखानी थी, कुछ उन्हें अपने लिए देखनी थी, तो वो चीज़ वो सर्च कर रही थी यहाँ पर अंदर जाकर, तो काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो चलिए आप लोगों को भी अंदर लेकर चलते हैं और कुछ अच्छा आपको दिखाने वाली हूँ, मतलब आप सबको भी ये आइडियाज़ अच्छे लगने वाले हैं। और डेकोरेशन की जो बात कर रही थी वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट अंदर आने के बाद यहाँ पर है फर्नीचर, तो जैसा भी आपके घर का एरिया हो तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके का फर्नीचर आपके घर में सूट करने वाला है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ मिल जाएंगे। डाइनिंग टेबल है यहाँ पर और कॉर्नर सोफाज हैं, मतलब किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कुछ अच्छा नया आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक ये कॉफ़ी टेबल है, ये बहुत अच्छी थी, तो जैसे घर का एरिया अगर छोटा हो तो इस तरीके की कॉफ़ी टेबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा सोफ़ा था इसके साथ यहाँ पर टेबल सेट की गई है। अब काफ़ी अच्छा फर्नीचर है, सभी पर रेट टैग लगाए गए हैं। एंड यहाँ पर है ये बेडरूम आइडियाज़, तो आप इस तरीके का यहाँ पर एक झूला भी मतलब है, और ये यहाँ पर इस पर बैठकर मैंने पिक्चर्स भी क्लिक कराई थी तो मैं आपके साथ कम्युनिटी जरूर शेयर करूँगी। तो डिफरेंट टाइप के बेड्स हैं यहाँ पर, बेड के आइडियाज़ हैं। बेड के आइडिया के साथ क्या है, यहाँ पर एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि जैसे भी आपका बेडरूम होता है, मतलब छोटा बड़ा स्मॉल आपको मतलब जैसा भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कंप्लीट बेडरूम का आइडिया ले सकते हैं। किस तरीके का बेड आप ले सकते हो, किस तरीके की अलमीरा सेट कर सकते हो, और सेम आप उसके साथ कैसा ड्रेसिंग टेबल सेट कर सकते हो, मतलब पूरा जगह का यूज़ कैसे करें और किस तरीके से, मतलब डिफरेंट टाइप का आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कम कम स्पेस में अच्छा फर्नीचर तैयार किया गया है और काफ़ी अच्छी वार्डरोब्स हैं यहाँ पर। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और मामी मुझे यही दिखाने लगी थी कि आजकल ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है तो आप अपने घर का रूम का बेडरूम का किचन का मतलब जहाँ पर आपको जो चीज़ करवानी है उसका साइज़ बता दो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मॉडल भेजेंगे और प्राइस भी बता देते हैं, तो और आपके एरिया में आके आपके घर आके बस वो फटाफट से करके चले भी जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ किचन के आइडियाज़ देखे थे कि आप अगर किचन मॉड्यूलर कराना चाह रहे हो तो किस तरीके से आप आइडियाज़ ले सकते हो, तो कंप्लीट किचन का आइडिया यहाँ पर मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा था, मतलब देख के एकदम से दिल खुश हो गया क्योंकि मैंने भी बोला था कि जैसे किचन अगर मॉड्यूलर करानी हो तो किस तरीके के डिफरेंट तरीके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक लंबी सी अलमीरा है जिसमें काफ़ी अच्छा मतलब स्पेस का यूज़ किया गया है। इसके बाद एक इस तरीके से स्लाइड मोड में दी गई है, और किचन का मतलब कंप्लीट फर्नीचर है यहाँ पर जिसमें आपको डाइनिंग भी मतलब दिया गया है कि आप इस तरीके का डाइनिंग टेबल ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो। फर्नीचर का आइडिया ले लिया, उसके बाद हम लोग अभी आगे मामी को लेने थे मग्स वगैरह, चाय के कप वगैरह भी लेने थे, तो वो सब कुछ उसके बाद यहाँ पर कुछ एंटिक पीस हैं, ये सब मैंने वीडियोस में देखे हैं। सीमेंटेड जैसे शावर वगैरह होते हैं ना, वो किस तरीके से फाउंटेन वाले होते हैं, सो पीस वो बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कुकटॉप वगैरह है। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा था, मैंने सोचा था जाते टाइम ले लूँगी लेकिन फिर बाद में कुछ माइंड से ही स्लिप हो गया, तो ये यहाँ पर कुशंस वगैरह थे, बहुत मतलब एकदम से यूनिक चीज़ थी।
और इसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, किचन की चीज़ें थी। तो बस अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ घूम ले आए, तो मुझे मतलब जो अच्छा लग रहा था वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। तो हमने लखनऊ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमारे यहाँ भी हर चीज़ अवेलेबल रहती है, तो कहीं से फिर सारा सब कुछ लेकर आओ। उसके बाद कुछ कर्टेंस वगैरह देखे हमने, और कुछ यहाँ पर एंटिक पीस लगे हुए थे, मतलब बहुत अच्छे एंटिक पीस थे। एकदम से देखते ही मतलब मन अच्छा हो गया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और ये हम ले सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मतलब ये सब डेकोरेटिव चीज़ें हैं, और अभी दिवाली का टाइम आने वाला है तो इन्हीं चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो कुछ यूनिक यूनिक आइडियाज़ हर बार चेंज होकर मिलते हैं, तो ये सब कुछ बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे कि गणेश जी का ये शो पीस है, कुछ इस तरीके का ब्लैक सीमेंटेड इस तरीके से बनाया गया है, बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ से अभी निकल लिए हैं हम लोग, और इसके बाद पहले तो बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने सोचा चलो पहले इन्हें कुछ खिलवा देते हैं। तो अभी इनके लिए यहाँ पर बर्गर वगैरह है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ ले लिया था। और मैं बात कर रही थी इस डेकोरेशन की, जो आपको अभी नीचे लोटस शेप में दिखेगी, बहुत प्यारी डेकोरेशन की गई है। तो अभी फटाफट से जा रहे हैं हम लोग ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो आफ्टर 40 मिनट मैंने यहाँ पर मेरा हेयर कट करा लिया है, और बहुत ही प्यारा हेयर कट हुआ है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो लेंथ मैंने बहुत छोटी नहीं कराई है, लेकिन हाँ एक अच्छा सा हेयर कट ले लिया है। और इसके बाद बस यहाँ पर हम लोग काफी मतलब घूम लिए हैं अभी, और शॉपिंग के लिए थोड़ा सा घूमे थे। तो ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर एक ये बहुत सुंदर से गणेश जी रखे गए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स भी क्लिक की। और भी बहुत सारी पिक्स हैं जो मैं यहाँ पर मतलब सभी पिक्स ऐड नहीं करती हूँ, एक दो आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद अभी यहाँ पर एक और शॉप है नीचे की तरफ, इसमें मैंने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे यहाँ पर कुछ पर्स वगैरह थे और हैंडबैग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो जैसा भी पसंद आए वैसा ले लो। तो यहाँ पर और मतलब अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन मुझे मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने देखे तो बहुत थे, और मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ हैंड बैग्स पर थी। तो मुझे ये येलो वाला थोड़ा सा पसंद आ रहा था, लेकिन इसमें सामने की तरफ पिक्चर्स बनी हुई है ना, वो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, इसकी वजह से फिर मुझे ये पसंद ही नहीं आया। और काव्या कार्तिक का यहाँ पर दौड़ दौड़ के गेम चल रहा है, बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो आज का ये ब्लॉग बस यहीं पर एंड करेंगे, और यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधा घर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर शेयर करना, पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।